दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हम बात किए हैं प्रेजेंट में अगर क्रिया के बाद आ जाए, यानी कि आफ्टर आ जाए। आज का टॉपिक है अगर क्रिया के बाद के पहले आ जाए। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट में अगर क्रिया के बाद के पहले आ जाए तो इस तरह का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो फॉर्मूला है बिफोर प्लस भर में आएंगे, यानी कि भर फोर देन ऑब्जेक्ट, और अगर उसके बाद कोई सेंटेंस आएगा तो सेंटेंस पर बनेगा। एक्चुअली में सबसे ज्यादा आता है सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस पर बनेगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। जैसे कि बाजार जाने से पहले मैंने खाना खाया। तो बाजार जाने से पहले सेंटेंस में पहले है, और यहाँ पर जो है मैंने खाना खाया, यानी कि मैंने खाना खाया था, ये है सिंपल पास्ट टेंस। उसका फॉर्मूला वही इसके पहले था, उसमें बताए थे मैंने खाना खाया में सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। बाजार जाने से पहले तो सबसे पहले पहले का इंग्लिश लिखेंगे बिफोर, उसके बाद जाना है, वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी यूज करना है गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट है बाजार तो गोइंग टू मार्केट, देन उसके बाद मैंने खाना खाया मैंने सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैंने का आई हो जाएगा। देन सिंपल पास्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब टू खाया, ये है वर्ब, वर्ब का दूसरा रूप इट का एट हो जाएगा। देन ऑब्जेक्ट जो है वो खाना है तो वो हो जाएगा फूड, तो हो जाएगा बिफोर गोइंग टू मार्केट आई एट फूड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। घर जाने से पहले मैंने टीवी देखा, घर जाने से पहले मैंने टीवी देखा, या इसको कुछ दूसरा डाल दो, घर से अच्छा स्कूल, तो स्कूल जाने से पहले ये पहले है, पहले का हो जाएगा बिफोर, तो हो जाएगा बिफोर, उसके बाद जाना भर, भर के साथ आईएनजी तो हो जाएगा गो का गोइंग, देन टू एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है स्कूल तो स्कूल यूज करना है बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब नेक्स्ट सेंटेंस मैंने टीवी देखा, तो मैंने का आई देन वी टू देखना वॉच वॉइड हो जाएगा एंड देन टीवी हो गया ऑब्जेक्ट टीवी, तो ये कंप्लीट हो गया।